हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्रुप का जो कोई एलिमेंट होता है उसके ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब ग्रुप में जो आपको एलिमेंट्स दिए होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है। तो स्टूडेंट, उसे समझने से पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप पढ़ लेते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी फाइनाइट ग्रुप के अंदर होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कोई आपको फाइनाइट ग्रुप के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। जैसे मान लीजिए कोई जी ग्रुप है और उसके अंदर फोर एलिमेंट्स है, तो उस ग्रुप का ऑर्डर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। एंड इनफाइनाइट ग्रुप, और कोई इनफाइनाइट ग्रुप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसका ऑर्डर कैसा है स्टूडेंट, इनफाइनाइट ऑर्डर है। तो उस ग्रुप का ऑर्डर किस तरह का हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और फाइनाइट ग्रुप है और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो उस ग्रुप का क्या होगा स्टूडेंट, ऑर्डर होगा। स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को आप किस तरह से डिनोट करते हो, ये आपने ओ लिया और इसको ब्रैकेट में डाल के जी, ओ जी से, यानी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। तो सबसे पहले जी स्टार, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन आपका स्टार है, बी अ ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई। कोई आपके पास ग्रुप दिया हुआ है, बी अ ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट उसका क्या है स्टूडेंट, ई है। फॉर ए बिलोंगिंग टू जी, आपको कोई ए दे रखा है जो बिलोंग करता है जी से, कोई भी एलिमेंट आपने ले लिया। इफ देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम, मतलब हमारे पास कोई छोटे से छोटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि ए की पावर अगर हम एम करें, यानी कि अगर एलिमेंट ए आपके पास है और उस पावर को एम करें, तो आपका किसके इक्वल आना चाहिए स्टूडेंट, आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। देन एम इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए एंड वी राइट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम। तो इस केस में एम आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ ए को किस तरह से डिनोट करेंगे, हम एम के इक्वल डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है ना, बच्चे यहाँ लीस्ट को ध्यान कम रखते हैं। लीस्ट का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने ए कोई एलिमेंट है, इसकी पावर मैंने 7 करी तो किसके को लाया, आइडेंटिटी के को लाया। अगर मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है और मैंने इसकी पावर 4 करी तो भी आइडेंटिटी के को लाया। तो यानी कि इसमें से हमने देखा यहाँ पे भी हमने पावर की तब आइडेंटिटी आया, यहाँ पे भी हमने कोई पावर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर रेज की तो भी आइडेंटिटी आया, पर इन दोनों में से लीस्ट कौन सी है, 4। तो इस जो एलिमेंट का ऑर्डर 7 ना होके किसके को लाएगा स्टूडेंट, 4 के को लाएगा। मतलब इस तरह का अगर कोई एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है जहाँ पे आपको पावर 4 करने पर आइडेंटिटी आए, 7 करने पर आइडेंटिटी आए, लेकिन लीस्ट कौन सा है स्टूडेंट, 4, तो ऑर्डर आपका एलिमेंट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 ना कि 7 होगा। ध्यान आपने रख रहा है कि इस तरह का कोई एलिमेंट और उसकी अगर कोई पावर पॉजिटिव इंटीजर छोटे से छोटी और आइडेंटिटी के कहलाती है तो वो उस ग्रुप का, सॉरी उस एलिमेंट का क्या होगा स्टूडेंट, ऑर्डर होगा। इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर, अगर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, मान लीजिए हम ए की पावर करते रहें 3, 4, 5, 6, 7 एप्स ऑन करते रहें, लेकिन ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही ना करे जिसके के लिए कि ए की पावर हम किसके को ला जाए, आइडेंटिटी के, देन वी से दैट, उस केस में ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, आइदर इनफाइनाइट होगा, यानी कि या तो आप उसको डिफाइन ही ना कर सकें, या फिर क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम ऐसा होगा कि ए की पावर एम करेंगे तो आपका किसके को लाएगा स्टूडेंट, आइडेंटिटी के को लाए, तो एम आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, अपने कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका है फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, यहाँ पे आपको हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल के दिखाना है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप आपका दे रखा है 1-1 iota - iota। मान लीजिए स्टूडेंट, मान लीजिए हमें कोई ग्रुप दिया हुआ है, तो इस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए अगर हम ग्रुप के ऑर्डर की बात करते हैं, जो भी अभी हमने डेफिनेशन की तो वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इस ग्रुप के अंदर स्टूडेंट कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होना चाहिए स्टूडेंट, 4 होना चाहिए। अब स्टूडेंट बात करते हैं इसके जो एलिमेंट्स हैं, मतलब 4 एलिमेंट्स हैं और आपको यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का सबसे पहले पता करना चाहिए, तभी आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो पावर्स कर करके लिखोगे, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है स्टूडेंट, 1 है, तो 1 तो हो गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह से काम करेगा, क्योंकि 1 आप किसी के साथ भी अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट आपका क्या आता है सेम, तो 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो स्टूडेंट 1 अगर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 1 की पावर हम कितनी करें कि आपका आइडेंटिटी आ जाए, तो 1 की पावर अगर आप 1 करेंगे तो आपका कितना आ जाता, आइडेंटिटी 1 के इक्वल ही आएगा। इसका मतलब यहाँ से इम्प्लाइज होता है कि ऑर्डर ऑफ 1, यानी कि इस एलिमेंट का ऑर्डर इस ग्रुप में कितना है, 1 है। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम -1 की बात करते हैं, तो -1 को कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें इटसेल्फ से, मतलब कितनी इसकी पावर रेज करें कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाए, तो इसकी पावर 2 करेंगे, मतलब अगर मैं -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपको स्टूडेंट कितना मिल जाता है, 1 मिलता है, मतलब आपको अपनी आइडेंटिटी मिल जाती है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 स्टूडेंट किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा, आपने क्या पावर रेज की, 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो मैंने आपको डिस्कस की थी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए मैंने -1 की पावर 4 करी होती तो भी तो आपका कितना आता, 1 आता। मान लीजिए मैंने -1 की पावर 8 करी होती तब भी तो आपका कितना आता, 1 आता। -1 की पावर 6 करी होती तब भी तो आपका 1 आता, लेकिन
टू आपका छोटे से छोटी वो वैल्यू है जिसके लिए आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट वन के इक्वल आती है, और सारी पावर्स क्या हैं इससे बड़ी हैं, टू से लार्जर हैं, इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट का ऑर्डर है किसके इक्वल आएगा, टू के इक्वल आएगा, और कोई इंटीजर यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सबसे छोटा टू ऐसा नंबर है जिसके लिए आपका क्या आता है, वन आता है। अगर मान लीजिए लीस्ट की कंडीशन ना होती तो सारे ही आपके ऑर्डर हो जाते हैं 2B, 4B, 6B, 8B, बट लीस्ट है इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, टू, क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ही आपका आंसर होता है, ऑर्डर होता है एलिमेंट का। अब स्टूडेंट जो इसके बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं इनके ऑर्डर की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास आयोटा है, अब आयोटा को स्टूडेंट आप कितना पावर करें कि आपका किसके इक्वल आ जाए, वन के, तो आपको पता है स्टूडेंट आयोटा की पावर अगर आप वन करते हैं तो आयोटा ही आ जाता है, स्क्वायर करते हैं तो माइनस वन आ जाता है, आयोटा की पावर थ्री करते हैं तो माइनस आयोटा आ जाता है, लेकिन आयोटा की पावर अगर हम फोर करते हैं तो किसके इक्वल आता है, स्टूडेंट वन के। अब आयोटा की पावर फोर है और फोर के कितने भी मल्टीपल्स मैं ले लूँ, 4, 16 ले लेंगे अगर आप आयोटा की पावर में, मतलब 4 के जितने मल्टीपल, 4 2 8, 4 3 12, आयोटा की पावर जो भी 4 की मल्टीपल्स होंगे हमेशा कितना आंसर आएगा, 1, लेकिन लीस्ट छोटी से छोटी कौन है, 4 है, इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आयोटा स्टूडेंट किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ये भी आपको क्लियर हो गया ऑर्डर ऑफ आयोटा, लीस्ट वाली कंडीशन भी क्लियर होती है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं माइनस आयोटा, क्योंकि आपका लास्ट एलिमेंट माइनस आयोटा है। अब माइनस आयोटा का भी इसी तरीके से अगर आप 1 पावर करते हैं तो माइनस आयोटा आता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो माइनस 1 आता है, माइनस आयोटा का क्यूब करके देखते हैं आपका लोअर क्लास का काम है, आयोटा के इक्वल आ जाएगा। माइनस आयोटा की पावर 4 करेंगे तो स्टूडेंट किसका इक्वल आएगा, आपका 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे भी छोटे से छोटी पावर जो है वो आपकी 4 है, इसके बाद 4 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे आपका आंसर 4 आएगा, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से आपने किस किस के ऑर्डर निकाल के दिखाए, ऑर्डर ऑफ 1 आपने निकाला जो आपका फर्स्ट एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट था, 1 के इक्वल आया, ऑर्डर ऑफ माइनस 1 निकाला तो स्टूडेंट किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल आया, और ये आपने आयोटा और माइनस आयोटा का भी ऑर्डर यहाँ से निकाल दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको चारों एलिमेंट्स के ऑर्डर भी क्लियर हो गए और जो आपकी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वाली जो कंडीशन थी वो भी आपको यहाँ से क्लियर है। तो स्टूडेंट हम एक एग्जाम्पल जो है अपना और कर लेते हैं ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए अपना जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ग्रुप जी दिया हुआ है जिसमें आपके 5 एलिमेंट्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी। हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है जो ग्रुप जी है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन जैसे वहाँ मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पे क्या एडिशन मोडुलो 5। तो स्टूडेंट एडिशन मोडुलो एम से रिलेटेड मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई थी और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी वहाँ पे कराए थे जिसमें मैंने एडिशन मोडुलो से रिलेटेड कुछ इस तरह के एग्जांपल्स कराए थे जहाँ मैंने एक ग्रुप को फाइनाइट अबेलियन ग्रुप भी प्रूव करके दिखाया था और वहाँ से आपको अपने एडिशन मोडुलो आप किस तरह से बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करते हो ये भी अच्छे से सिखाया था। तो स्टूडेंट वो आप चेक करके वहाँ से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं बीच में आपको डिस्कस कर दूंगी जो एडिशन मोडुलो किस तरह से अप्लाई होता है। तो सबसे पहले आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिएगा स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इसको बोलती हूँ तो जीरो, अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं एडिशन मोडुलो एम में, जैसे आपने ग्रुप का एलिमेंट जीरो लिया, इसमें मैंने किसको ऐड करना है स्टूडेंट, वन को ऐड करना है। जीरो और वन को जैसे हम ऐड करते हैं किसके इक्वल आता है, वन के। और एडिशन मोडुलो फाइव से क्या होता है कि अगर हम फाइव को जो भी इनकी एडिशन आती है फाइव से क्या करते हैं उसे डिवाइड करते हैं। मान लीजिए जीरो प्लस टू अगर मैंने किया होता यानी कि जीरो प्लस फोर, सॉरी मान लीजिए मैंने फोर लिख लिया यहाँ पे, तो जीरो प्लस फोर करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, फोर आएगा, और फोर पूरा पूरा फाइव से डिवाइड होगा नहीं तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फोर के इक्वल आ जाएगा। मतलब कोई भी एडिशन मान लीजिए मैंने फोर और टू एलिमेंट ऐसे ले लिए और यहाँ पे एडिशन मोडुलो फाइव डाला, जैसे यहाँ पे जीरो और वन था तो वन ये रिमाइंडर क्यों आया, क्योंकि वन पूरा पूरा फाइव से डिवाइड हुआ नहीं था तो रिमाइंडर एज इट इज मैंने लिख दिया। अब 4 और 2 स्टूडेंट कितना होता है, 6, 6 को जैसे आप 5 से डिवाइड करोगे आप रिमाइंडर कितना बचता है आपका, 1 बचता है। इसका मतलब आपको सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि एडिशन मोडुलो M में जो बाइनरी ऑपरेशन उसको किस तरह से यूज करना है यहां पे। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि एडिशन मोडुलो किस तरह से यहां पे अप्लाई होता है जो बाइनरी ऑपरेशन है। अब स्टूडेंट आपको क्या करके दिखाना है यहां पे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 0, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे जीरो क्यों है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जीरो को किसी भी एलिमेंट में ऐड करते हैं, एडिशन मॉडल अप्लाई किया, जीरो में वन को ऐड किया, टू में ऐड किया, थ्री में ऐड किया, फोर में ऐड किया, सेम टू सेम आपको एलिमेंट वही मिलने लग जाता है। जीरो में जीरो को ऐड किया तब भी आपको जीरो मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जीरो को आप किसी भी एलिमेंट में अप्लाई करते हो, एडिशन मॉडल ऑफ फाइव निकालते हो और आपको जीरो ही मिलता है तो ये आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसका मतलब आपको अपना आइडेंटिटी एलिमेंट मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, अपने ऑर्डर्स निकालने हैं, मतलब वहाँ पे जहाँ आप मल्टीप्लाई कर करके अपना काम कर रहे थे यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड कर करके निकालना है। तो सबसे पहले जीरो है तो ऑर्डर ऑफ जीरो जो है आपका ये किस तरीके से लिखोगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जीरो ये स्टूडेंट किसके इक्वल आएगा, वन के, क्योंकि आपने यहाँ पे जीरो को एक ही टाइम लिखा, फिर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एज इट इज़ है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जीरो किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, वन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी को भी इसको कितने भी बार ऐड नहीं किया।
तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या लिख दिया, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जीरो इज वन, क्योंकि जीरो को एक्चुअली आपने वन टाइम ही लिखा और आपका आइडेंटिटी एलिमेंट सामने जीरो ही है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जीरो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट वन हो जाएगा। इसे हमें कितने भी टाइम मल्टी एड नहीं करना पड़ा। अब स्टूडेंट जैसे वन का ऑर्डर निकालना है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने वन को एक टाइम लिखा, ऐड ही नहीं हुआ कुछ, तो वन वन नहीं लिख दिया। अब इसी तरीके से मैंने वन को टू टाइम्स लिखने का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे एडिशन मोड़ दो, हम फाइव निकालते भी तो भी कितना आने वाला था, वन ही आने वाला था, क्योंकि वन को वन टाइम ही लिखा, वन आया, फाइव से डिवाइड भी करेंगे तो भी एज इट इज रहने वाला है। अब वन को टू टाइम्स लिखने का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने वन और वन और यहाँ पे एडिशन मोड़ लो फाइव लगाया, तो वन और वन ऐड हो जाएगा टू, टू फाइव से पूरा पूरा डिवाइड होने वाला नहीं है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, टू। इसका मतलब वन को मैंने वन टाइम किया तो वन आया, वन को टू टाइम्स ऐड किया तो कितना आया, टू आया। अब स्टूडेंट हमको वन को कितने टाइम्स ऐड करें मोडुलो के अंदर कि आपका क्या आ जाए, स्टूडेंट जीरो आ जाए। मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए होता है, ध्यान दीजिएगा, मुझे ऐसा लीस्ट इंटीजर यहाँ पे चाहिए होता है पावर करके कि आपका आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए। अब आपका बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन मोडुलो है, तो आपको एडिशन मोडुलो एडिशन कर करके मोडुलो फाइव निकालेंगे, तब अगर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो के इक्वल आ जाता है तब आपका वहां से वो ऑर्डर कहलाएगा। अब वन को थ्री टाइम्स अगर आप यहाँ लिखते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका, वन प्लस यहाँ पे इस तरीके से लिखा तो स्टूडेंट यह आ जाता है आपका वन थ्री, और यहाँ से तीनों को जोड़ा वन 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 तो थ्री हो जाता है, थ्री को फिर फाइव से डिवाइड करना होगा आपको, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं वन को वन से किया तो टू के साथ अगर आप एडिशन मोड़ लो फाइव निकालते हो टू बचता है, फिर टू और वन फिर से थ्री हो जाएंगे, एडिशन मोड़ लो फाइव निकालोगे फिर से कितना बचेगा, थ्री, क्योंकि डिवाइड होने वाला है नहीं। स्टूडेंट मैं एक एलिमेंट में आपको ऐसा करके दिखाऊंगी, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मैं इसको बार बार लिखने की बजाय क्या करूंगी, एक ही बार करके आपको बताती रहूंगी। जैसे मैंने यहाँ पावर्स, अब इसको तीन बार लिखा था, अब कितने बार ऐड करना है स्टूडेंट, चार बार, तो आप किसी भी तरीके से इसको करेंगे तो ये फोर को फिर एडिशन मोड़ लो फाइव में निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, फोर रिमाइंडर में। अब इसको फाइव टाइम्स अगर आप करते हैं तो फिर इसको फाइव टाइम्स लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने एक बार, दो बार, फिर ये आपका तीन बार, फिर ये आपका चार बार, और ये आपका हो गया पांच बार। ऐसे ही वन और वन टू, फिर एडिशन मोडुलो फाइव, फिर टू और वन थ्री, फिर एडिशन मोडुलो फाइव, तो ये आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, फाइव, और फाइव को फाइव से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट इस केस में कितना आएगा, जीरो, क्योंकि आपका रिमाइंडर कितना होने वाला है यहाँ से, क्योंकि फाइव फाइव पूरा पूरा डिवाइड कर जाएगा, रिमाइंडर इस केस में जीरो बचेगा। इसका मतलब वन को आपने फाइव टाइम्स ऐड किया तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिलेगा स्टूडेंट, जीरो। यहाँ पे हम एडिशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका बाइनरी ऑपरेशन ही एडिशन मोडुलो फाइव है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ वन किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से फाइव के इक्वल आ जाएगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ जीरो आ चुका, ऑर्डर ऑफ वन आ चुका। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अपना जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर भी फाइंड करने हैं। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट टू की अगर हम बात करते हैं तो टू को वन टाइम्स अगर आप ऐड मतलब एज इट इज लिखोगे तो टू ही बचने वाला है। टू को टू टाइम्स अगर हम करते हैं तो बार बार मैं इसको लिख के दिखाने की बजाय, जैसे मैंने एक बार इसको यहाँ पे एडिशन मोडुलो फाइव में लिख दिया, क्योंकि आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम इसको टू टाइम्स यहाँ लिखते हैं तो टू टाइम्स ऐड करना है, तो टू और टू फोर, फोर को फाइव से डिवाइड करेंगे तो फोर ही बचेगा रिमाइंडर। फिर इसी तरीके से टू को अगर हम थ्री टाइम्स करते हैं तो थ्री टाइम्स अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है स्टूडेंट, सिक्स आता है। सिक्स को फाइव से डिवाइड करेंगे, बार बार ना लिखने की बजाय मैं लिख देती हूँ वहाँ से, टू को थ्री टाइम्स ऐड करा सिक्स आया, मोडुलो फाइव निकालेंगे स्टूडेंट तो कितना आने वाला है वहाँ से आपका, वन बचेगा आंसर। फिर ऐसे ही टू को यहाँ पे हमने फोर टाइम्स लिखा तो कितना आ जाएगा, एट ऐड करके आएगा, फाइव से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कितना बचेगा, थ्री बचेगा। फिर टू को फाइव टाइम्स की अगर हम बात करते हैं तो टेन आता है, एडिशन मोड़ दो जैसे टू और टू फोर, फिर एडिशन मोड़ दो निकाला फाइव में तो कितना बचेगा, फोर बचेगा। फिर नेक्स्ट हम टू के साथ अप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट टू, तो फाइव टाइम्स अगर हम ऐसा करते हैं तो कितना आ जाता है, टेन आता है। टेन को फाइव से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है, जीरो के इक्वल बचता है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ से अगर आप ऑर्डर टू जो आपका एलिमेंट है इसका कितना आ जाएगा स्टूडेंट, फाइव, क्योंकि आपने फाइव टाइम्स इसे ऐड किया तो आपका क्या आया आंसर, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आया। अब स्टूडेंट हम एलिमेंट जो आपका थ्री है इसका ऑर्डर भी निकाल लेते हैं, तो फर्स्टली तो वही थ्री की पावर अगर हम वन यानी कि थ्री को वन टाइम ऐड करते हैं तो एज इट इज थ्री आ जाएगा, कुछ ऐड नहीं हुआ यहाँ पे एडिशन मोड लो फाइव के लिए। फिर इसी तरीके से थ्री को टू टाइम्स लिखते हैं तो थ्री और थ्री कितना होता है, सिक्स, अगर आप एडिशन मोड लो फाइव निकालेंगे तो वन बचेगा। इसी तरीके से थ्री को थ्री टाइम्स ऐड करते हैं तो कितना आता है, थ्री थ्री सिक्स, थ्री नाइन, नाइन को फाइव से डिवाइड किया कितना आया, फोर आया। फिर थ्री को फोर टाइम्स करते हैं तो ट्वेल्व आता है ऐड करके, फाइव से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ से कितना बचता है, टू बचता है। थ्री को फाइव टाइम्स अगर ऐड करते हैं तो फिफ्टीन हो जाता है, फिफ्टीन को फाइव से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, आपका रिमाइंडर कितना बचता है, जीरो। तो आपने थ्री को फाइव टाइम्स ऐड किया एडिशन मोड लो फाइव में तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो मिला आपको, यानी कि ऑर्डर ऑफ थ्री किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, फाइव के इक्वल हो जाएगा। तो हमने इसका ऑर्डर भी आपको निकाल के दिखा दिया। अब हमारा लास्ट एलिमेंट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट फोर आपको निकालना है, तो फोर को अगर हम वन टाइम्स लिखते हैं तो फोर ही आ जाता है,
4 को 2 टाइम्स ऐड करते हैं तो स्टूडेंट कितना हो जाता है 8, 8 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 बचता है, 4 को 3 टाइम्स अगर ऐड करते हैं तो 12 आता है, 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट कितना हो जाता है यहाँ से, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 4 प्लस 4 करते हैं एडिशन मॉडुलो 5 निकालते, 8 आता, 8 को 5 से डिवाइड करते 3 बचता, फिर 3 के साथ हम फिर क्या करते, फिर जो अगला 4 है उसको ऐड करते, फिर हम 5 से डिवाइड करते, तो इस तरीके से चलता है। तो 4 को 3 टाइम्स अगर हम मॉडुलो 5 में निकालेंगे तो कितना आता 12, 12 को 5 से डिवाइड करते तो कितना बचता 2, इसी तरीके से 4 का 4 टाइम्स अगर हम करते हैं तो आपका रिमाइंडर बचता है 1, और 4 को 5 टाइम्स निकालते हैं तो ये आपका रिमाइंडर कितना बचेगा स्टूडेंट 0। 4 को आपने 5 टाइम्स ऐड किया तो आपका आंसर कितना बचा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 के इक्वल, तो ऑर्डर ऑफ 4 स्टूडेंट किसके इक्वल हो जाएगा आपका 5 के इक्वल। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने क्या किया, अपने सभी जो ग्रुप के एलिमेंट्स थे सभी का ऑर्डर फाइंड करके दिखाया, आपने ऑर्डर ऑफ 0 निकाला तो किसके इक्वल आया था 1 का, और भी जितने भी सॉरी स्टूडेंट किया आपका दूसरा एग्जांपल है जहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ 1 किसके इक्वल आया था 1 के। अब हमारा जो ये एग्जांपल है यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ 0 आपका किसके इक्वल आ गया था स्टूडेंट यहाँ से 1 के, और सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना आया स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ 0 की अगर हम बात करते हैं तो आया था 1 के इक्वल, और ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 4 जितने भी एलिमेंट्स जो आपके बाकी बचे थे ऑर्डर ऑफ 4 इनका सभी का ऑर्डर स्टूडेंट कितना है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 और लिख देती हूँ मैं क्योंकि सभी का इक्वल ही है, 1, 2, 3, 4 का ऑर्डर कितना आया स्टूडेंट 5 के इक्वल आया। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको चाहे बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी दे रखा हो आपको अपने जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की जो डेफिनेशन है ना कि आपको किसी पावर को रेज कर करके किसी एलिमेंट की और आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसा चूज करना होता है जिससे आपका आंसर क्या है अपना जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके इक्वल आए। अब स्टूडेंट क्या है कि 1 को हमने 5 टाइम्स ऐड करा था तो आपका 0 के इक्वल आ गया था, अगर हम 1 को 10 टाइम्स ऐड करते तो भी तो आपका 0 आता क्योंकि 1 को 10 टाइम्स मॉडुलो 5 में निकालते तो 10 आता, 10 को 5 से डिवाइड करते 0 होता, लेकिन हमें लीस्ट की बात करनी है तो छोटे से छोटी ऐसी पावर क्या है आपकी 5 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन कराई है ऑर्डर ऑफ ग्रुप की और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप की और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कराए हैं जो मैंने काफ़ी कोशिश की आपको समझाने की। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसमें पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। आने वाली वीडियोज़ में भी इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूँगी। थैंक्स।